अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम टू रानीज गार्डन। आज दिखाती हूँ अपना ग्राउंड फ्लोर गार्डन जो एकदम तहस नहस हुआ पड़ा है, बिखरा पड़ा है, और लेकिन फिर भी जो है आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। और इस तरह से मैं सीजर से इस वजह से इस पॉट को हिला रही हूँ, इन पॉट्स के पीछे बहुत सारी छिपकलियाँ रहती हैं। जब भी मैं वाटरिंग करने आती हूँ तो वो एकदम से सब निकल निकल के भागती है और मुझे बहुत फोबिया है, छिपकली से बहुत डर लगता है मुझे। अच्छा, ये देखिए हमारा टेंगल हार्ट, इसको प्रोपेगेट करना बहुत ही आसान है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी लग जाती है, इवन वो कहीं अगर किसी और पॉट में ये जज भी हो जाए, टूट के गिर जाए, तो एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। देखिए इसकी लीव्स कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत, एकदम फ्लैशी हो रही, कितनी अच्छी शाइन है इनमें। और ये देखिए हमारा स्पाइडर प्लांट, इसको भी प्रोपेगेट करना बहुत आसान है। इसमें जो है रनर निकलते रहते हैं, उन रनर से भी आप ग्रो कर सकते हैं, और नहीं तो इस अंदर से बहुत सारे प्लांट इसके निकल आते हैं, उनमें से भी उनको आप तोड़ तोड़ के अलग ग्रो कर सकते हैं। और ये देखिए सूखी हुई लीव्स प्लांट्स में लटकती रहती हैं, तो देख के अच्छा नहीं लगता, मैं इनको रिमूव करती रहती हूँ। हमारा मनी प्लांट हमारा बहुत बड़ा था, और ये अजवाइन का प्लांट है, और अजवाइन तो बस फ्रेगरेंस के लिए है, अजवाइन नहीं है इनफैक्ट, और इनकी लीव्स में फ्रेगरेंस होती है, तो बस इस वजह से इनको अजवाइन प्लांट बोला जाता है। ये हमारा मनी प्लांट है, छोटी पत्तियों वाला। इधर है कोलियस, ये सब उधर दूसरे साइड रखे थे, जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है। ये हमारा बोलीवियन जियो है, तो जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता है कि दूसरे साइड ही शिफ्ट था सारा गार्डन, लेकिन उधर चूँकि थोड़ा सा वर्क चल रहा है तो सब इस साइड को शिफ्ट किया गया है। अच्छा, बहरहाल इधर जो हमारे थोड़ी बहुत कटिंग्स भी ग्रो हो रही हैं, हमारे एरेंथेमम है, सेंचेजिया है, और रेन लिलीज हैं, कोलियस। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लगता है ये सेंचेजिया का प्लांट, और बहुत ही इजीली ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। आपको कहीं भी इसकी कटिंग मिले लाके अपने गार्डन में ज़रूर ज़रूर ऐड करिए। देखिए वीड्स बहुत हो जाती हैं, लेकिन ये मेरे लिए झुकना बहुत तकलीफ दे, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इसको किसी ऊंची चीज़ पर रख के सारी वीड्स इसकी रिमूव कर दूंगी। ये देखिए कितनी खूबसूरत लीव्स हैं, दो कलर के एरेंथेमम हमारे पास हैं, और इधर एक ग्लोनिमा भी है, और अरे रिबन ग्रास है, बहुत सारे प्लांट हैं। बहुत बारी होता क्या है कि अचानक से नाम ज़बान पर नहीं आते हैं, और जब काम निकल जाता है। देखिए हमारे आपको घर के कोने कोने में प्लांट्स मिलेंगे। मैंने इस तरह से ये बॉटल हैंग करी हुई हैं, इसमें जो है पोर्चुला का, पर्सलेन, यही सब ग्रो किया हुआ है। उधर आपको हमारा हैंगिंग प्लांटर दिख रहा होगा। इधर ये देखिए हमारी ट्रम्पेट वाइन, जो एक ऊपर बकेट में लगा हुआ है और इस तरह से नीचे को आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इसको मैं कहाँ ले जाऊँ, इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। और इधर के पोर्शन को थोड़ा सा आप इग्नोर कर दीजिएगा। और ये देखिए इधर भी हमारी बॉटल्स लगी हुई हैं, और बारी बारी से मैं आपको दिखाती हूँ जो हमारे पास नीचे प्लांट्स रखे हुए हैं। ये हमारा गुड़हल है, इसको भी मैंने कटिंग से लगाया था, और देखिए इतना बड़ा प्लांट हो गया। ये हमारा दूसरा वाला हिबिस्कस है, इसमें जो ये इस कलर के वाइट कलर के ऑफ वाइट कलर के फ्लावर आते हैं, इसको मैं नर्सरी से लेके आई थी, और बहुत सारी फ्लावरिंग तो नहीं होती, लेकिन एक दो फूल इसमें बराबर निकल रहे हैं। ये देखिए हमारा, देखिए नाम ही नहीं याद आ रहा है इस टाइम, ये हमारा ड्रेसेना, ये हमारा चाइनीज हिबिस्कस जिसको मैंने इस तरह से बोरी में लगाया हुआ है। बोरी क्या है, इसको मैंने अपने हाथ से सिला था, ग्रो बाय गई है। और देखिए ये शाम के वक्त मैंने वीडियो शूट करी 5 बजे के बाद, और देखिए लेकिन इसके फ्लावर स्पेंट हो गए। स्पेंट होने के बाद इनका ये साइज़ दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत कलर होता है, बहुत अच्छा साइज़ होता है इनका। जैसा कि आप लोग जानते हैं हिबिस्कस की लाइफ, हिबिस्कस के फ्लावर की लाइफ एक दिन की होती है, तो बस एक दिन में ये मुरझा जाता है, स्पेंट हो जाता है। और इधर हमारा टिफिन में किया है, और देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी शाइनी इनकी लीव्स हो रही हैं।
और मैं एग्लोनीमा भी लेके आई हूँ, तो कुछ इसी तरह की लीव्स की दे दिया है उसने, लेकिन मैं थोड़ा सा डिफरेंट वाला चाहती थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए एक प्लेट है, और आजकल मुझे मोज़ेक आर्ट का बहुत ही मोज़ेक आर्ट का शौक चढ़ा हुआ है, तो एक प्लेट मैंने बनाई भी, ये वीडियो भी शेयर करी थी, और इसका भी कुछ करती हूँ। ये देखिए इधर हमारे पास मधुमालती, जिसपे मैंने कई वीडियो सेपरेट वीडियो भी डाली हुई हैं, और इधर इधर एक बास्केट है तनिष्क की साइकिल की, इधर भी मैंने टेंगल हार्ट लगाया हुआ है, और दिखाती हूँ आपको ये हमारे फिलोडेंड्रॉन, इनको मैंने साय की वजह से यहाँ पे रखा, शेड मिलता है इनको, और तो ये शेड लविंग प्लांट हैं, ये तेज़ धूप में ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, इनकी पत्तियाँ जो है बर्न हो जाती हैं, अभी भी आपको बर्न से दिख रही होंगी थोड़ी थोड़ी, देखिए इसका मधुमालती का शेड रहता है यहाँ पे, तो इसकी इसको ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया प्लांट, ये महंगे प्लांट होते हैं, और ये भी एग्लोनीमा अरे सॉरी फिलोडेंड्रॉन की है एक वैरायटी है, तो इसकी भी मैंने कटिंग ग्रो करी है। इधर देखिए ये ज़रा सा टूट गया था, मैं इसको जो लगा रही थी मॉस स्टिक पे, और मुझसे टूट गया था, और तो आप भी यहीं से छोटी कटिंग ले लीजिए, और इतनी रूट्स होती हैं इनकी जो है टहनियों में, तो कहीं से भी आप लगा देंगे तोड़ के आराम से ग्रो हो जाता है। देखिए इसके पत्ते का साइज़ कलर कितना प्यारा हो रहा है। अच्छा अब ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास, आपने अरवी तो बहुत खाई होगी जिसको हम लोग गुनिया बोलते हैं, तो अरवी तो जाहिर बात है ज़मीन के अंदर होती है, तो लेकिन ये देखिए वाइन है, बेल है हमारी, इस बेल में जो है लटकती हैं अरवियाँ, लेकिन अभी इस वक्त नहीं है, और इसकी सब्ज़ी अच्छी बनती है, इसको जब छीला जाता है इसके अंदर पिंक कलर की जो है अरवी निकलती है। ये हमारा बरगद का प्लांट, इसको मैं बोंजाई बनाऊंगी। इधर देखिए हमारे सब एस्पराग्रस लगे हुए हैं, तो एस्पराग्रस भी बहुत ही इजी टू ग्रो है, इसको जो है इसके ट्यूब होते हैं, ट्यूब से लगाया जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है बहुत ईजिली। इधर सारी मेरी कटिंग ही लगी हुई है। इधर देखिए हमारा जामुन का प्लांट है, इसको भी मैं बोंजाई बनाऊंगी। इधर अगेन हमारा ड्रेसिना है, सेंचेजिया, ये मदर प्लांट है, इनकी कटिंग्स मैंने लगाई हुई हैं, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हमारे हैंगिंग प्लांट्स हैं, इधर ये अकेला बचा है हमारा कोलियस, ये वाला ये वैरायटी, वरना बहुत सारा था हमारे पास कोलियस का, तो ये है आपके पास रहेगा रहेगा, फिर एकदम से ख़त्म हो जाएगा, आप लोग जान भी नहीं पाएंगे। ये हमारा पाकड़ का प्लांट है, इसके हम लोग फखरिया भी बोलते हैं, इसको भी मैं बोंजाई ही बनाऊंगी, इरेंथिमम। और ये देखिए हमारी कटिंग्स लगी हुई हैं, इरेंथिमम की भी हैं, और सेंचेजिया भी है, और इधर गुलदावदी है, और ये कैलेडियम है, तो ये भी बल्बस प्लांट होते हैं, छोटे छोटे बल्ब होते हैं इनमें, इनको मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। देखिए बेबीज कितने निकल रहे हैं, ये इसे खूब खुशी हो जाएगा, और अगर आपको अपने गार्डन में कलर्स ऐड करने हैं तो आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर लगा दें, और इसको मल्टीप्लाई करना, जैसा कि बताया बहुत ही आसान है, आप एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इधर भी है, मैंने दो पॉट तैयार कर लिए हैं, मल्टीप्लाई करते रहते हैं हम, इससे होता क्या है, आप अगर प्लांट आपके एक प्लांट कोई मर गया तो अगला एक बचा रह जाता है बस इसी, और फिर अगर कोई मांगता है उसको दे भी देते हैं। इधर हमारा क्रोटोन, और एक और ये दूसरा वाला है क्रोटोन, इधर आप देख रहे हैं हमारा पाम है, एक ये दूसरी वैरायटी है पाम की, इसको अरे का पाम बोलते हैं। देखिए कितना बड़ा हो रहा है, छोटे से पॉट में था, फिर मैंने इसको, ये ड्रम है हमारा हाफ, मैंने उसमें शिफ्ट कर दिया था, देखिए कितने अच्छे से चल रहा है। इधर हमारा पेस्टिसाइड रखा हुआ है, और ये आप देख रहे होंगे हमारे पास। अच्छा इसको जो है मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है, इस अरेका पाम को भी आप इस तरह से देखिए, यहाँ से अगर यहाँ से अच्छे से आप इसको कट करें, और कट करके मिट्टी में दबा दें, फिर ये नया प्लांट तैयार हो जाता है। अब ये देखिए हमारा गुड़हल, शायद ये वाइट वाला है क्योंकि इसको भी मैंने कटिंग से लगाया है, इधर भी ड्रेसिना है, और इसकी देखिए लीफ कितनी प्यारी है, बहुत ही अच्छी इनकी जो आउटलाइन है एकदम गोल्डन हो रही है, बहुत ही अच्छी, और ये देखिए कितना बुशी हो रहा हमारा।
आप अपने घर में प्लांट ज़रूर लगाएं, जैसा कि मैं कहती हूँ। अच्छा ये देखिए हमारा वो वाला ठूंठ लगा हुआ है जिसपे बहुत बड़ा हमारा पाम का दरख्त था, दरख्त तो कट गया है, ठूंठ अभी बाकी है। इसको ख़त्म किया जाए तो फिर यहाँ पे जगह बन जाए, हमारे प्लांट बहुत सारे यहाँ भी आ सकते हैं। और शहतूत का भी बहुत बड़ा दरख्त था, उसका भी इसी सब काम के चलते ही कटवाया गया। ये देखिए उसका, उसकी जड़ दिख रही है आपको। फिर देखिए यहाँ नए प्लांट तैयार हो रहे हैं, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं रखना है, मैं ज़मीन वाली सब चीज़ें वो ख़त्म कर दूंगी। और जॉइंट फैमिली में यही होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कटवाना पड़ जाता है, इस तरह से तो बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ सब आप बड़ा फैलावा छिछल इधर देख रहे होंगे, तो सिर्फ इसी वजह से मशी सा हो रहा। वजह ये है कि यहाँ पर बोरिंग कराई गई है तो मिट्टी बालू सब है। और ये देखिए हमारा गुड़हल है, ये हमारे पास रेड कलर वाला गुड़हल है, मेरी पड़ोसन ने दिया था। इसका भी पॉट टूट गया, बड़े पॉट्स का हमारा नुकसान हुआ है इन सब काम के चलते ही। इधर 3-4 महीनों में, 5 महीनों में ये हमारा चाइना पाम है, देखिए कितने खूबसूरत इनके बड़े बड़े पत्ते एकदम पंखे की तरह। बहुत लोग इसको फैन पाम के नाम से भी बुलाते हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। एक छोटे से पॉट में लगा हुआ था, उसके बाद मैंने इसका पॉट चेंज किया। और ये देखिए पता नहीं 20 इंची है, 22 इंची कितना मुझे पता नहीं। और ये देखिए मैंने अभी देखा ये नया डेवलपमेंट है, ये हमारा इतना बड़ा पॉट टूट गया। अब इस टाइम अगर कोई लेने जाएगा इस पॉट को, सीमेंटेड पॉट है ये, शायद 500 रुपये से कम नहीं मिलेगा, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ टूट गया। ये भी बड़ी अफसोस की बात है, पॉट वगैरह टूट जाते हैं, प्लांट धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। और इतने बड़े प्लांट को शिफ्ट करना भी आसान है, फिर जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे हाथ पैर से अपनी प्रॉब्लम है। ये देखिए हमारा गुड़हल पिंक कलर का, गुड़हल की कई सारी वैरायटी है मेरे पास, कुछ खिल रहे हैं कुछ अभी नहीं खिल रहे हैं। इधर देखिए अजवाइन प्लांट है, साथ ही केलनचू, बल्कि केलनचू के पॉट में ये छोटा सा छोटी सी कटिंग लगाई थी मैंने। और ये देखिए सिंसेवेरिया स्नेक प्लांट, इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है, नया प्लांट तैयार हो गया। इधर है हमारा लिली लगी हुई है, कुछ पॉट हमारे छत पे भी रखे हुए हैं, टेरिस पे भी हैं। ये देखिए फाल से, ये देखिए इसमें मैंने सब सीड्स डाले थे फाल से के, अभी इनको मैंने सेपरेट किया है इन कप्स में, ग्लासेस में, थोड़ा सा और ग्रो हो जाए फिर मैं कहीं कुछ उनको लगाती हूँ अलग अलग करके। और दिखाती हूँ मैं आपको एक, ये देखिए पर्पल कलर, लाइट पर्पल कलर का हमारे पास, ये देखिए ये भी हमारा हिबिस्कस है। बहुत सारी वैरायटी हमारे पास है जैसा कि बताया, और भले खुशबू नहीं आती इस प्लांट में लेकिन ब्यूटी बहुत ज़्यादा होती, देख के बहुत ही मन खुश हो जाता है। देखिए कोलिया सब एकदम हौच पौच हो रहा है सब इधर, वजह यह है सब मशी से हो रहे हैं, वजह यह है कोई और बात नहीं है। अब सब जगह बदली है, ये हमारे देवर ने जो सेप्टिक टैंक बनवाया है उसी के ऊपर सब लते पड़े रखे हैं, अगर जगह बने सब तो कहीं ढंग से मैं रखूँ। एक ये वैरायटी, जैसे कि मैं कहती हूँ प्लांट्स मल्टीप्लाई ज़रूर करते रहें आप लोग, खासकर कोलियस को तो ज़रूर मल्टीप्लाई करें। कोलियस कब आपके गार्डन से खराब हुआ था आप खुद नहीं जान पाते हैं, तो कोलियस को ज़रूर मल्टीप्लाई करते रहने चाहिए किसी भी सीज़न में। इवन मैं तो मई जून में भी ग्रो कर लेती हूँ, आप लगाते रहिए इसकी कटिंग। देखिए सब इधर उधर फैला पड़ा हमारा गार्डन, इसको मैं समेटूँगी, बस थोड़ा इंतज़ार है क्योंकि अब इधर बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, जो काम हो भी रहे थे कंस्ट्रक्शन के या प्लम्बरिंग वाले वो तो सारे काम रोक दिए गए थे, तो बस इसी के चलते सब फैला हुआ फैला पड़ा है, मैं इसको समेटूँगी। बहुत अच्छा खासा वक्त हो गया, मैंने सोचा था अभी मैं वाटरिंग करके आई हूँ। ये देखिए सब नया बना है, लेटरिन बाथरूम हमारे देवर का पोर्शन ही है, तो मैंने सोचा था मैं अभी मैं वाटरिंग करके ऊपर से आई हूँ टेरिस से, तो मैंने सोचा था आपको वहाँ का भी व्यू दिखाऊँगी, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इस वजह से टेरिस तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ, फिर किसी वक्त दिखाऊँगी। और आज का वीडियो बस हमारे जो सहन में प्लांट रखे हैं उन्हीं के लिए था। और चलिए गाइस मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, वैसे दिन भर बहुत तेज़ धूप रही, बहुत सख्त शदीद धूप थी सारा दिन, लेकिन इस टाइम थोड़ी सी हवाएं हैं, थोड़े से बादल भी दिख रहे हैं, तो मौसम अच्छा लग रहा है। और इसी के साथ मैं वीडियो बंद करती हूँ, फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। और आपने देखा हमारी वीडियो को, देखा देखते हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक छोटा सा काम करके जाइए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका तो कुछ नहीं जाएगा, हमारा रानीज़ गार्डन, जो हमारी रानीज़ गार्डन फैमिली है बड़ी हो जाएगी,
और आपके ही सपोर्ट से मैं यहाँ तक के आई हूँ। अच्छा खासे हमारे सब्सक्राइबर हो रहे हैं और भी हो जाएंगे अगर आपने चाहा तो। चलिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।